बूढ़ी परी अपने कमरे में से लंबे और काले बाल लेकर आती है और आकर अपने जादू से वो बाल कोमल परी को लगा देती है। अरे ये तो बिल्कुल असली बाल जैसे हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये नकली बाल हैं। इतना कहकर कोमल परी वहाँ से नाचते हुए चली जाती है। अगले दिन कोमल परी अपनी परी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक जाती है। वहाँ जाकर वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती है। मोनिका परी कोमल परी के कमरे में जूस लेकर जाती है। अपनी सहेली की बात सुनकर कोमल परी ने वो जूस पीना चालू कर दिया। जैसे ही उसने वो जूस पिया वो बेहोश हो गई। फिर मोनिका परी ने कोमल परी के सर में से वो बाल निकाल लिए और जैसे ही उसने अपने सर पर बाल लगाए उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी और पूरा शरीर आग से जलने लगा।